नमस्कार, मैं हूं किंजल और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। सितंबर महीने में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर राजनीतिक बयानबाजी से लेकर आरोप प्रत्यारोप का माहौल देखने को मिला। साथ ही सोशल मीडिया पर तिरुपति देवस्थानम के प्रसाद में मिलावट का मुद्दा भी गरमाया रहा। इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई तरह के गलत दावे भी शेयर किए गए। आज के इस मंथ एंड वीडियो रिपोर्ट में हम इस महीने शेयर की गई ऐसे ही कुछ गलत दावों की सच्चाई के बारे में बात करेंगे। अगस्त महीने में कोलकाता के एक अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना से जोड़कर ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया। इस वीडियो में वरिष्ठ पत्रकार राजदीप सरदेसाई ये कहते हैं, और मैंने देखा है गुजरात में हो, मुंबई में 92-93 में हो, मुजफ्फरनगर में 2012 में हो, जब भी दंगे होते हैं हमें हमेशा स्टोरीज मिलते हैं रेप और गैंग रेप के। क्या वजह है कि आप एक मुजफ्फरनगर 13 Mayawati before Mamata Banerjee. अरे ठीक है। राइट विंग यूजर्स ये वीडियो शेयर करते हुए कहने लगे कि राजदीप सरदेसाई ने कोलकाता वाली रेप और हत्या की घटना को मानने से इनकार किया। ऐसे ही दावे के साथ कई लोगों ने ये वीडियो पोस्ट किया है। हालांकि ये वीडियो द लल्लन टॉप के शो नेता नगरी का है, इसे ध्यान में रखते हुए हमने राजदीप सरदेसाई वाला मूल वीडियो ढूंढने की कोशिश की। 5 अगस्त 2023 को ये वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट किया गया था। पर मैंने देखा है गुजरात में हो, मुंबई में 92-93 में हो, मुजफ्फरनगर में 2012 में हो, जब भी दंगे होते हैं हमें हमेशा स्टोरीज मिलते हैं रेप और गैंग रेप के। क्या वजह है कि आप एक तरह से मुजफ्फरनगर 13 में Bengal is the only state in the country with a woman chief minister at the moment. Even that has UP not prevented... UP gave Mayawati before Mamata Banerjee. That is theek hai. In fact, my home state of Maharashtra has never given a woman chief minister. But I am saying... not. The fact is, ki jo political, jab political violence hoti hai, ya any mass violence hoti hai, women are the soft targets. Because women are seen as male power. It is a way, aap apni power, apni taakat dikhate hai. System is dominated by men. जब वुमन उसको चैलेंज करती है, फिर वो ग्राम पंचायत में महिला हो या कोई भी सोसाइटी में महिला हो, उसको जब वो चैलेंज करती है, एक पुरुष परंपरा है हमारे देश में। आप इन्होंने जो जिक्र किया अभी बंगाल का, आप देखिए उस वीडियो में किस तरह से उस महिला को ड्रैग किया जा रहा है। एक ऐसे राज्य में जहां मुख्यमंत्री महिला है, तो मुख्यमंत्री भी महिला होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां लोकल लेवल पर कंट्रोल पुरुषों का है। ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है। यानी राजदीप सरदेसाई की बात को गलत तरीके से पेश किया गया। इस वीडियो का कोलकाता में हाल में हुई घटना से कोई संबंध नहीं है। वहीं ये वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि एक लड़के ने हिंदू धर्म छोड़कर ईसाई धर्म अपना लिया था, जिस वजह से उसकी पिटाई की गई। ऐसे ही क्लेम के साथ कई यूजर्स ने ये वीडियो शेयर किया। हालांकि ये मामला साल 2022 का था, जहां तेलंगाना में एक दलित युवक की पिटाई की गई थी, क्योंकि उसका संबंध एक दूसरे समुदाय की महिला के साथ था। बाद में पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। ऐसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो शेयर करते हुए कहा गया कि एक जिहादी व्यक्ति वंदे भारत एक्सप्रेस का शीशा तोड़ रहा है। कई राइट विंग अकाउंट्स ने ऐसे ही क्लेम के साथ ये वीडियो पोस्ट किया। हालांकि ऑल्ट न्यूज ने इस मामले में छानबीन की तो पाया कि ये ट्रेन का शीशा बदलने की प्रक्रिया का वीडियो है। यूट्यूब पर ट्रेन का शीशा बदलने की प्रक्रिया का स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल वीडियो भी दिया गया है। और व्यूअर्स ध्यान दें कि ट्रेन का शीशा बदल रहे इस शख्स का नाम मनीष है और वो एक रेलवे कर्मचारी है। रिपब्लिक चैनल ने ये एक्सक्लूसिव फुटेज शेयर करते हुए दावा किया कि मणिपुर में विद्रोहियों ने एक भारतीय लड़ाकू हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। These are exclusive pictures of insurgents in Manipur using those missiles and those catapults to throw those missiles into
villages, and these are exclusive pictures. We are attributing them to Manipur police, in fact. So these are authenticated, and these are dangerous weapons in the hands of Manipur insurgents. Not, we are not mentioning which side is using that. Of course, the police knows which side is using those catapults and improvised missile launchers, so to say. We have seen over the last 1 week, see the missile, see the scale. It's almost like a 4 or 5 feet long rocket that has been thrown into the valley from a hilltop. बहरहाल ये वीडियो मणिपुर का नहीं बल्कि म्यांमार का है, जहां पर काचिन इंडिपेंडेंस आर्मी ने म्यांमार जूंटा हेलीकॉप्टर को मैनपेट से मार गिराया था। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं द्वारा बुर्का न पहनने पर उनकी इस तरीके से पिटाई की गई, ऐसे दावे के साथ ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया गया। ऑल्ट न्यूज ने इस मामले में तफ्तीश की और पाया कि ढाका के शामली स्क्वायर इलाके में रसेल सुल्तान नामक एक आदमी सेक्स वर्कर्स के साथ इस तरीके से सुलूक कर रहा था। वहीं ये दावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चलाया गया कि हैदराबाद में ईद के दौरान रैली हिंसक हो गई और बाद में पुलिस को धक्का देकर बैरिकेड तोड़कर भाग्य लक्ष्मी मंदिर में घुस गई। दरअसल ईद के मौके पर चार मीनार के पास डीजे साउंड सिस्टम के जनरेटर में आग लग गई थी, जिसे बाद में दमकल विभाग ने बुझाया था। इस मामले में हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने ये बयान दिया था। कुछ नहीं है, यहाँ पर आपको पता है कि एक डीजे में आग लग गई थी, वो एक एक्सीडेंट है। और अगर वो डीजे का जो बैटरी है, अगर वहाँ से आग फैल के डीजल टैंक पे अगर उसको लग जाता तो बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तो इस प्रोटेक्शन की वजह से, सेफ्टी मेजर्स की वजह से सबको बैरिकेड लगा के थोड़ा दूर रखना पड़ा। और उसको भी तोड़ के अगर थोड़े लोग आगे आए हैं तो उनको रिक्वेस्ट करके पीछे जाने के लिए कहा गया था। तो उसको लाठीचार्ज आप कहेंगे तो वो बुरी बात है, ये पब्लिक के सेफ्टी के लिए किया गया है। थैंक यू। भाग्य लक्ष्मी मंदिर की ट्रस्टी शशिकला ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि ईद के जुलूस के दौरान मंदिर के परिसर में कोई भीड़ नहीं पहुंची थी। वहीं डीजे के जनरेटर में लगी आग भी मंदिर परिसर तक नहीं पहुंची थी। तिरुपति मंदिर के प्रसाद को लेकर छिड़ी बहस के दौरान आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी ने जगन मोहन रेड्डी का यह वीडियो ट्वीट किया और लिखा कि उन्होंने प्रसाद हाथ में लिया लेकिन उसे पिया नहीं। इसी वीडियो को आगे लोगों ने शेयर किया और जगन मोहन रेड्डी पर निशाना साधा। छानबीन करते हुए ऑल्ट न्यूज को पता चला कि जगन मोहन रेड्डी का ये वीडियो दरअसल 14 जनवरी 2024 का है और ये पूरा वीडियो देखने पर वायरल दावा खुद ब खुद गलत साबित होता है। वहीं बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 29 वर्षीय एक महिला की लाश टुकड़ों में रेफ्रिजरेटर से बरामद की गई है। इस महिला का नाम महालक्ष्मी है और वो एक किराए के मकान में रहती थी। देखते ही देखते इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया कि अशरफ नामक एक व्यक्ति ने इस महिला की हत्या की है और इसे लव जिहाद की घटना बताया गया। न्यूज 18 के अमन चोपड़ा ने इस मामले को लेकर ये कहा। आपको याद है दिल्ली में जिस तरह श्रद्धा वॉकर नाम की लड़की के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रखे गए थे, वैसा ही हत्याकांड बेंगलुरु में भी हुआ है। अब नाम बदल गया है, पहले श्रद्धा अब महालक्ष्मी। महालक्ष्मी नाम की लड़की के शरीर के 50 से ज्यादा टुकड़े फ्रिज से मिले हैं, 50 से ज्यादा टुकड़े फ्रिज। पहले आफताब था, इस वक्त परिवार वाले अशरफ पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा कर्नाटका से लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई प्रमुख चेहरों ने ऐसा ही क्लेम आगे बढ़ाया है। हालांकि इस मामले में बयान देते हुए महिला के पति हेमंत दास ने अशरफ नामक एक व्यक्ति का नाम जरूर लिया था, लेकिन पुलिस ने छानबीन करते हुए महिला के साथ काम करने वाले मुक्ति राजन प्रताप रे को आरोपी बताया था। बाद में सामने आया कि मुक्ति राजन ने ओडिशा में आत्महत्या कर ली है। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले में ये बयान दिया था। बैंगलोर का एक गोटे केस जो था, वहाँ पे बैंगलोर में जो रिसेंटली एक लेडी का मर्डर जो हुआ था, तो उस केस का इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम आए थे। उनका प्राइम एक्यूज्ड
भद्रक को बिलोंग कर रहे करके, तो उनको पकड़ने के लिए आए थे। तो वो टीम उसको राउंड अप करके उनका अप्रेहेंड करने से पहले ही वो पर्सन, उसका नाम मुक्ति रंजन राय, दूसरी थाना एरिया को बिलोंग कर रहे हैं, तो उसने कल सुबह सुसाइड किया है बाई हैंगिंग, सुसाइड करके उनका डेथ हुआ है। तो उस हिसाब से हमारा यह दूसरी थाना में एक यूडी केस रजिस्टर हुआ है और उनका पुलिस पर पैराफर्नेलिया खत्म करके पोस्टमार्टम करके बॉडी उनका फैमिली को हैंडओवर किया गया। तो उस डिटेल्स में हम पूरा बैंगलोर पुलिस को जो डिटेल्स है उसी हिसाब से हम उनको कोऑपरेट कर रहे हैं, उनका इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंगली चल। वहाँ पे जो महालक्ष्मी करके एक लेडी का जो मर्डर हुआ है बैंगलोर में, तो उस केस का कनेक्शन में बैंगलोर का टीम यहाँ के इन्वेस्टिगेशन उनका चला। वहाँ पे लैपटॉप कुछ नहीं है, वहाँ पे एक सुसाइड नोट मिला है जो एक बुक में लिखा है, और उसके साथ उस सुसाइड नोट में तो माना है कि वो मर्डर उसने किया है करके वो माना है, और एक बैग मिला है और एक स्कूटी मिला है वहाँ पे सुसाइड प्लेस में, उसको सी।